डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दरवाजा खोलकर अंदर देखते हैं तो वहां एक व्यक्ति सोया हुआ मिलता है। ये तस्वीर है हाजीपुर सदर अस्पताल की, जहां रात के 1 बजे तेजस्वी यादव निरीक्षण करने पहुंचे, ये देखने के लिए कि मरीजों को वो सुविधाएं मिल रही है या नहीं जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें दिखी वो चौंकाने वाली है। कंबल में लिपटे इस शख्स को देखिए, ड्यूटी पर है लेकिन हर चिंता से बेखबर। नींद तब टूटी जब तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। हंगामा हो गया है, आप लोग गार्ड है, लड़ाई हो रहा है, जही दिखती है, मारा मारी हो रहा है, जही ना देखिए ना, अस्पताल में सब घुस रहा है, जही देखिए, यही कौन है। गार्ड उठकर चल देता है लेकिन अस्पताल में काफी कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव आगे बढ़े और वार्डों का निरीक्षण शुरू किया। इमरजेंसी वार्ड, डायलिसिस सेंटर, फिकू वार्ड, सर्जिकल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और एक्सरे रूम, हर जगह तेजस्वी पहुंचे। अस्पताल में दाखिल होते ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंचे लेकिन चारों तरफ कमियां दिखाई दी, जिस पर सवाल जवाब भी किया गया। तेजस्वी कहाँ है आप? खराब है यहाँ तो अस्पताल की तबीयत खराब लग रहा है ना सर, वही रहते हैं। स्थिति तो ठीक नहीं, हेल्थ मैनेजर है ना यहाँ का? हेल्थ मैनेजर होगा ना? हेल्थ मैनेजर का नंबर है। रात में औचक निरीक्षण और हर कमी का पता लगाने की कोशिश, मकसद स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना है। तेजस्वी यादव ने बताया कि औचक निरीक्षण जरूरी क्यों है। ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब आप जो है जाकर के चीज़ों को जमीनी स्तर पे ना देखें, और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कई चीज़ें जो है सुधरी हैं। ऐसा नहीं है कि सुधरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कमियाँ हैं उन कमियों को ढूंढ करके उस कमी को हम लोगों को पूरा करने की जरूरत है। मकसद जनता को सुविधा पहुंचाना है, लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो इसे गंभीरता से ही नहीं ले रहे। नाइट ड्यूटी में ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे, डिस्प्ले बोर्ड पर डॉक्टरों का रोस्टर नहीं लगा था, दवा काउंटर 24 घंटे नहीं खुला रहता है, व्यवस्थाओं में भारी कमी है, साफ सफाई सही तरीके से नहीं होती, फहरिस्त काफी लंबी है। साफ है जनता भगवान भरोसे है और इससे डिप्टी सीएम नाराज है। हमारे तो सब सुता हुआ था, सबको तो नजर नहीं आ रहा था, दो गार्ड था आपके, दो से होगा इसको हटाइए, एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कीजिए। कौन आदमी आता है, क्या है, इतना महंगा महंगा मशीन रखा हुआ अंदर, कोई डॉक्टर नहीं है, कितना डॉक्टर पोस्टेड है, 40 से 50 डॉक्टर होना चाहिए है ना, रात में मात्र 3-4 डॉक्टर से ज्यादा आपको बता देंगे। सदर अस्पताल ऐसा बने ताकि जो पटना में इलाज हो वो यहाँ भी संभव हो पाए, सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए, और इससे लोड भी पटना का घटेगा, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी हो, इक्विपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ जो है सुविधा हम लोग दिए गए, लेकिन जब तक ईमानदारी से डॉक्टर हों या जिनको ड्यूटी दायित्व दिया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, और इसी कमी को ढूंढने हम लोग आए। सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है ये उसकी वानगी है, और डिप्टी सीएम ने इसकी झलक खुद देखी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की भी कई शिकायतें हैं। उम्मीद है जो कमियां हाजीपुर सदर अस्पताल में दिखी वो अब राज्य के दूसरे अस्पतालों में नहीं दिखेगी और जनता के लिए इलाज की बेहतर व्यवस्था होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।